फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं सरिता और आज मैं आपके लिए लेके आई एक बेहतरीन वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बेबी हेयर्स को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग हेयर जेल लगाकर, हेयर स्प्रे लगाकर अपने बालों को बहुत अच्छे से सेट कर लेते हैं, लेकिन हेयर जेल और हेयर स्प्रे के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारे बालों को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं, और उन सब को ज्यादा यूज करने से हमारे हेयर्स ग्रे जल्दी होने लगते हैं। तो आज से हेयर स्प्रे और हेयर जेल लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आई एक बेहतरीन दिया हुआ है जिसे आप यूज करने के बाद जेल और स्प्रे को भूल जाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने बेबी हेयर्स को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो फाइन कॉम्ब की हेल्प से हम लोग अपने बालों को सेट कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम हवा में जाते हैं, बहुत तेज हवा में जाते हैं, तो बेबी हेयर्स के साथ साथ हमारे बड़े बड़े जो हेयर्स होते हैं वो भी बाहर आकर इस तरह से उड़ने लगते हैं, जो बहुत वियर्ड फील कराते हैं। और सेट करने के लिए मैंने लिया है एलोवेरा जेल, ये मैंने हाथ पे इस तरह से ले लिया, और एक ब्रश जो आपका ओल्ड ब्रश हो उसकी हेल्प से आप इस तरह से अपने ब्रश में लगाए इसको इस तरह से, और इस तरह से जहां भी आप बेबी हेयर से आपके इस तरह से आप इनको सेट करें, दो तीन बार सेट करें इस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल एक जरा सा हेयर भी आपको परेशान नहीं करेगा और ये लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। जेल से ज्यादा बेस्ट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे इस तरह से। और ये देखिए, इस तरह से ये जो यहाँ के हेयर्स होते हैं ये कभी भी कितना ही पीछे कर लो इनको कभी भी नहीं आते। और ये देखिए, ये हेयर बिल्कुल आप कॉम कर रहे हैं जब, तो इस तरह से जेल लगा करके आप छोटे ब्रश से इस तरह से बालों को सेट कर लीजिए, तो ये बाल भी आपके सेट रहेंगे। और आप जब बाहर जाए तो बाहर जाने से 10 से 15 मिनट पहले करें, क्योंकि अगर आप साथ साथ करेंगे तो आपके हेयर इस तरह से लगेंगे कि आपने ऑयल लगाया। अगर आप इसको लगा के 10 मिनट छोड़ देंगे तो ये हवा में सूख जाएगा, ड्राई लगेगा, और लगेगा नहीं कि आपने कुछ अपने बालों में लगाया। बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को इसके मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।